श्रीमती पांडे, स्वागत करती हूँ आप सभी का एफटी न्यूज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। चलिए डालते हैं आज की खबरों पर। खबर यूपी जनपद संतकवि नगर से है, जहां बेलहर थाना क्षेत्र में सफाइयों द्वारा प्रदर्शन किया गया। सपा सरकार में पूर्व खादियों रसद मंत्री लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा कृषि विधेयक कानून के विरोध में किसानों के समर्थन में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसकी जानकारी होने पर पुलिस द्वारा सपाइयों को गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए मेहदावल विधानसभा क्षेत्र में रैली निकाली गई जा रही थी, लेकिन पुलिस द्वारा रैली में शामिल सपा कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश की योगी सरकार के इशारे पर लोगों को अपनी बात रखने पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा यह कार्यतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जिससे सपा कार्यकर्ता डरने वाला नहीं तो है। सांता से कनौरिया चौराहे से बेलहर होते हुए नंदौर मोटरसाइकिल जलूस जागरूक यात्रा कर रहे हैं। बेलहर एसओ ने हमारे गाड़ी को दर्शन के बीच में रोक कर उसके बाद उतार हम लोगों को गिरफ्तार किया। लाठी चार्ज प्रशासन के हम लोग आगे क्या करेंगे आप लोग, और ये कार्यक्रम हम लोगों का अनवरत चल ले जा रहे थे। किसानों के समर्थन में जो दिल्ली में किसानों ने देश के किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, उसके उपलक्ष्य में हम लोग जा रहे थे। यहाँ पुलिस ने सारे लोगों को रोक करके लाठियों से पीटा है, कार्यकर्ताओं को मारा है और प्रसार करने का गिरफ्तार करके सारे लोग ले जा रही है पुलिस। यही है कार्यक्रम। हमारी गाड़ी को चरपैया से लड़ाया गया, उसके बाद उतार आगे क्या लाठी चार्ज की रणनीति है। जो ये लोग चाहेंगे हम लोग गिरफ्तारी देंगे और फिर जेल भी जाने के लिए तैयार है।